Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. नागिन एक ऐसा शो जो ऑडियंस को अपनी सुपरनेचुरल कंटेंट से हमेशा एंटरटेन करते हुए आया है। शो की पॉपुलैरिटी इतनी है कि अब तक इसके 6 सीजन्स प्रसारित हो चुके हैं। जहां शो की मिस्टीरियस एंड थ्रिलर स्टोरी हो, या शो की प्रॉमिसिंग स्टार कास्ट हो, या फिर हो शो का ऑसम बैकग्राउंड म्यूजिक, दर्शकों ने शो की हर एक चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। पर एक बात जो सारी सीजन में हमें देखने को मिलती है वो है खूबसूरत नागिनों की जोड़ी, जो किसी सीजन में बहनों के रूप में दिखी तो किसी सीजन में सहेली के रूप में नज़र आई। इन नागिन की जोड़ी को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया। तो आज के इस वीडियो पे हम नज़र डालेंगे हर सीज़न की खूबसूरत नागिनों की जोड़ियों पर। तो शुरुआत करेंगे नागिन सीजन एक की जोड़ी सिवनिया और सेशा से, जिनके किरदारों को निभाया था मौनी रॉय और अदा खान ने। जहाँ ये दोनों बहनों के किरदार में दिखी, जहाँ शुरुआत में दोनों के बीच अटूट प्यार देखने को मिला, बट सीरियल के आगे बढ़ते ही नए ट्विस्ट के साथ दोनों एक दूसरे की दुश्मन भी बन गई। ओवरऑल बोले तो दोनों के बीच कभी सौतन कभी सहेली टाइप का रिश्ता देखने को मिला, जहां दोनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। दोनों का टांडव डांस हो या फिर कोई भी सीन साथ में हो, इनके हर एक सीन्स में ऑडियंस ने जमकर तालियां बजाई। वही अब बात करेंगे नागिन सीजन दो की, तो फिर एक बार मौनी रॉय और अदा खान साथ में देखने को मिली, जहाँ शिवांगी और रुचिका की नेवर एंडिंग फाइट्स ने ऑडियंस को काफ़ी इंटरटेन किया। और इस सीज़न में भी दोनों के बीच खूब सारी दुश्मनी देखने को मिली, और सीज़न एक की तरह ही दोनों नागिन की जोड़ी को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला। तो दोस्तों अब आएंगे नागिन सीज़न तीन पर, जहां बेला और विशाखा की खूबसूरत नागिन की जोड़ी देखने को मिली, जहां सुरभि ज्योति और अनीता हंसनंदानी नागिन के टाइटुलर कैरेक्टर्स को निभाती हुई नज़र आई थी। जहाँ दोनों नागिनों के बीच दोस्ती का रिश्ता दिखाया गया, जहाँ शो के आखिरी पड़ाव तक हमने दोनों की दोस्ती देखी, पर शो के अंत में हमें पता चलता है कि विश सिर्फ अपने पर्सनल मोटिव के लिए बेला से दोस्ती रखती है। जहाँ बेला और विश की कातिलाना अंदाज ने दर्शकों के दिलों को खूब जीता और दोनों की ही नागिनों की जोड़ी ऑडियंस के लिए काफ़ी इंटरटेनिंग रही। वही इसी सीजन में हमने एक और नागिन की जोड़ी देखी थी, जो कि थी सुमित्रा और रोहिणी की, जिनके किरदारों को निभाया था रक्षंदा खान और मृणाल देशराज ने। जहाँ दोनों निढोग वंशज की नागिन बहनों के किरदार में दिखी, जो बेला के खिलाफ कई सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हुए नजर आई थी। तो दोस्तों अब आएंगे नागिन सीजन फोर पर, जहां शुरुआत में हमें लगा कि इस सीजन में वृंदा और नयनतारा नागिनों की जोड़ी में है, जहां निया शर्मा और जैस्मिन भसीन इन किरदारों में दिखी थी। जहां शो के आगे बढ़ते ही एक ट्विस्ट के साथ खुलासा होता है कि दोनों में से सिर्फ वृंदा असली नागिन है और नयनतारा एक आम इंसान है। वही बात करें दोनों के साथ में सीन्स की, तो दोनों के सीन्स काफी इंटरटेनिंग थे, पर सही मायने में वृंदा और उसकी माँ मानिता की माँ बेटी की जोड़ी रही इस सीज़न की असली नागिन की जोड़ी। जहाँ शयनतनी घोष और निया शर्मा की माँ बेटी के सीन्स को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। तो दोस्तों अब आएंगे नागिन सीज़न फाइव पर, जहाँ सिर्फ सुरभि चंदना उर्फ बानी ही सोलो नागिन थी, बट कुछ एपिसोड्स के लिए उनका साथ देती हुई नज़र आई थी सिमरन महेंद्रवाल, जो कि नागिन नैना के किरदार में नज़र आई थी, जो कि बानी की सेविका और दोस्त होती है। जहाँ नैना एक मामूली सी नागिन थी, जो कि आदि नागिन बानी के मिशन में उसका साथ देते हुए नजर आई थी। तो दोस्तों अब आएंगे प्रेजेंट सीजन नागिन सिक्स पर, जहाँ नागिनों की खूबसूरत जोड़ी में हम प्रथा और महक को देख रहे हैं, जिनके किरदारों को निभा रही है तेजस्वी प्रकाश और महक चहल। जहाँ ये दोनों मिलकर अपने मिशन को अंजाम देती है, जहाँ देश को नुकसान पहुँचाने वाले देशद्रोहियों को दोनों मिलकर मौत के घाट उतारते हुए भी नजर आती है। यहाँ दोनों की बहनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है, और दोनों के ही सीन्स भी साथ में काफ़ी पावरफुल नज़र आते हैं, और इन दोनों ने बेहद ही कम समय में ऑडियंस के दिलों को बखूबी जीत लिया है। तो दोस्तों ये थी नागिन सीजन्स की खूबसूरत नागिनों की जोड़ी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन से सीज़न की नागिन की जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।